हम लोग क्लू कैब से स्नॉर्कलिंग बुक करके यहाँ पर आए हैं डॉल्फिनो स्नॉर्कलिंग पॉइंट के ऊपर। थोड़ा ढूंढना इसको मुश्किल रहा बट फाइनली वी आर हेयर। तो यहाँ पर हमको सिंपली मास्क दे दिया गया है और फिन्स बना दिए गए हैं साइज़ के अकॉर्डिंग। बस बंदे इकट्ठे कर रहे हैं और ले जाएंगे बोट में, वहाँ देखते हैं क्या होता है। वैसे हमने बता दिया कि हमको स्विमिंग वगैरह नहीं आती है, तो वो कह रहे हैं लाइफ जैकेट्स वगैरह देंगे और बोट के पास ही होगी और गाइड रहेगा, तो ठीक है। बाकी अगर हम स्नॉर्कलिंग नहीं भी कर पाते तो वी आर बेसिकली लुकिंग एट इट लाइक अ बोट राइड, बिकॉज इंडिया में तो वही इतनी महंगी होती है और यहाँ पर अच्छे खासे टाइम की चलती है वो फास्ट बोट राइड होगी, तो वी आर हैप्पी, हमारे पैसे तब भी वसूल होंगे ही होंगे। तो बोट के अंदर हम बैठ गए हैं स्नॉर्कलिंग के लिए एंड वी हैव आवर इंडियन फ्रेंड्स विद अस, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द स्नॉर्कलिंग एंड वी आर अ बिट स्केयर्ड बट we are going to tell the guide that we are going to be nearby only, so he has to take care of us. Yeah, यहाँ पर मांता रेज हैं। Yes, please. So you're ready? Can you jump on the boat? देखो, वो अंदर मांता रेज है, मैं आपको दिखाऊंगा जब थोड़ा पास होगी। Can you little bit quickly, guys? वो देखिए, वो मांता रेज है उधर। ये देखिए। मांता बे पे स्नॉर्कलिंग यहीं आसपास, बस सीढ़ियाँ पकड़ के बोट की और थोड़ा सा पानी में डुबकी सी मार के आए और कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, हम ऐसे ही करने वाले हैं थोड़ा थोड़ा, और कुछ नहीं, सेफ्टी भी रखनी है। सेकंड
सेकेंड स्नॉर्कलिंग पॉइंट है आई थिंक इट इज़ गामच वे, और यहाँ भी थोड़ा सा पानी में उतर के हाथ पाँव मारेंगे। क्रिस्टल बे Yes, please. So later, can you just swimming around here? Yeah. Yeah. Hey, excuse me, sir. Hello. Here you go. तो क्रिस्टल बे पे हमने स्नॉर्कलिंग कर ली है और इस बार फर्स्ट टाइम से यानी कि मानता रहे वाले टाइम से बेटर था हमारा एक्सपीरियंस, क्योंकि थोड़ी सी ट्रिक हमको समझ में आई है तो टोटल हम काफ़ी देर तक अंदर रह पाए, कम से कम 10-15 मिनट तक हम नीचे देख कर रहे पानी के अंदर। We'll be right back.